जो हम लोग इतना बड़ा ये होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसकी स्टार्टिंग हमारे हरदोई सिटी से हुई थी। तो हमने ना जैसे तैसे करके सक्षम को सेट कर दिया है और अभी मम्मी को भी लेके आना है। हेलो, मेरी को टोपी उड़ गई, टोपी तनु की है यहाँ पर। नंद और भौजाई ने जो है होली अभी खेली, कुछ ऐसा यहाँ पे लगता है। तो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। वैसे ये व्लॉग ना होली वाले दिन आएगा, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। एंड मैं ना आज आपको चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग हरदोई के हैं उन्हें तो ये चीज पता होगी, लेकिन जो लोग नहीं है उनके लिए स्पेशली चीज है। जो हम लोग इतना बड़ा ये होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसकी स्टार्टिंग हमारे हरदोई सिटी से हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हरदोई का नाम हरदोई नहीं था, बहुत ही पहले हरदोई का नाम था हरिद्रोही। और ये मैं आपको कुछ ऐसे 50 60 70 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको हजारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब यहाँ पे हिरण्यकश्यप जी यानी कि जो प्रहलाद के पापा थे ना, वो मतलब पूरा राज्य करते थे यहाँ पे। बेसिकली ये ना पूरा उनका राज्य था, एंड प्रहलाद वाली सारी की सारी कहानी घटित यहीं हरदोई में हुई थी। और सोचो हमारे हरदोई ने ना इंडिया को उसका इतना बड़ा फेस्टिवल दिया है, जो कि आज पूरे इंडिया में, इंडिया छोड़ो, जो कि पूरा इंटरनेशनली तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे हरदोई में ना एक प्रहलाद कुंड भी है, जो कि श्रवण देवी मंदिर में मतलब कि बना हुआ है। उस कुंड में कहा जाता है कि जब प्रहलाद लाल थे ना, वो उसी कुंड में जाके नहाते थे, और यहीं इधर ही कहीं पूरा राज्य आज महल बना था। लेकिन ये बात तो बहुत ही हजारों लाखों साल पुरानी है, तो अब तो कुछ रहा नहीं, लेकिन वो कुंड अभी भी है। एंड वो जो श्रवण देवी मंदिर है ना, वो है शक्तिपीठ। तो अब ना बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि शक्तिपीठ क्या होता है। तो शक्तिपीठ ना वो जगहें हैं जहां पे माता सती के अंग गिरे थे। जब माता सती ने अपना पूरा मतलब कि देह त्याग किया था, तो उनके अंग कई कई जगह गिरे थे, तो उसमें से उनका लेफ्ट या राइट में से कोई कान यहाँ हरदोई में गिरा था। तो अपना हरदोई ना बहुत ही बड़ा समझ लो तरीके से देव स्थान टाइप में है, तो बस आपको यही बात बतानी थी। मैं बाहर थोड़ा काम से आया था कि मैंने एक चीज देखी। तो हमारे मोहल्ले में भी ना होली वाला जो पूरा होता है ना, वो लकड़ियां आ चुकी हैं, तो आज रात में ना इसी में अग्नि लगाई जाएगी। इसमें ना रात में अग्नि वही करीबन रात के 2 या 3 बजे तरफ लगाई जाती है, पर इस बार होली में हम तो यहाँ होंगे नहीं, हम तो अभी थोड़ी देर में अपने घर चले जाएंगे, वहीं पे जाके होली बनाएंगे। सो इट्स 5:40 इन द इवनिंग, एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, बिकॉज होली का टाइम है ना, तो बहुत ही ज्यादा काम है, हमें घर जाना है ना, क्योंकि होली जो हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले हम जा रहे हैं सारा सामान रखने के लिए, बिकॉज सामान बहुत ही ज्यादा है। तो अभी हम सक्षम को लेकर जा रहे हैं, एक ये जो है पूरी बोरी टाइप की बना रखी है, इसमें थोड़ा सा सामान है और एक बैग है, तो उसे पहले रख आएंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी को लेकर घर जाएंगे। तो फिलहाल ना मैंने गाड़ी को निकाल लिया, अब चलो सामान रखो, पहले झोला रखना, उसके ऊपर बोरी रखना। अरे अरे तुम्हारी शक्ल क्यों नहीं दिखाएं, तुम फेमस आदमी हो। एक बात तो, जब तुम्हें कुछ बताएंगे तब तुम्हारी शक्ल तो दिखाएंगे, क्या बताएं यार, इससे टोपा आदमी हमको मिल जाते हैं, ये तो कानपुरिया लैंग्वेज है। ये नहीं पहले झोला, पहले इसे नहीं, वो झोला उठा लो, आते तुम जाओ। तो हमने ना जैसे तैसे करके सक्षम को सेट कर दिया है, नीचे झोला रखा है, झोले के ऊपर बोरी रखी है, अब चलो जल्दी चलते हैं घर, अब आपको घर पर ही मिलेंगे, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना। फाइनली यार जस्ट रीच होम, 6 बजने जा रहा है, बहुत ही भयंकर हरदोई में ट्रैफिक हो रहा है। तो सामान हमने अपना रख दिया है, अभी चलो फिलहाल वापस से घर चलते हैं, एंड थोड़ी देर में मम्मी को लेके आ जाएंगे। एक्चुअली सामान रखने में इस वजह से आ गया था, बिकॉज फिर मम्मी नहीं आ पाती ना, बहुत ही ज्यादा सामान था। और यहाँ वाले घर में आप लोग एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि कोई भी चिल्ल पों या कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही, बिकॉज ये हमारा जो घर है ना बहुत ही अंदर है मोहल्ले के, तो यहाँ पे ज्यादा गाड़ियाँ है ही नहीं, बिल्कुल शांति से व्लॉग बनता है। घर से फाइनली निकल चुके हैं, और रोडों पे ना भयंकर वाली भीड़ हो रखी है। और मैं ना आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ होली में अग्नि कहाँ दी जाती है। जब आप हमारी गली से निकलेंगे ना, तो ये देखो बिल्कुल सामने ही होलिका दहन के लिए ये लकड़ी लगा रखी है, तो कल सुबह जो है पूजा करने हमको यहीं पे आना होगा। और अभी मम्मी को भी लेके आना है, अभी ये नहीं पता है मम्मी को कैसे लेके आना है, मम्मी को बाइक से लेके आएंगे या ऑटो से आएंगे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ना। क्या है, लो मेरी को टोपी उड़ गई, ओए मैं टोपी तनु की है यहाँ पर। जय लो अपनी टोपी, से बची रही, लेकिन आखिरी में एक विटारा ब्रेजा वाला आया और उसने जो था इसके ऊपर चढ़ा ही दी अपनी गाड़ी, लेकिन तब भी इसका मुड़ा नहीं बिल्कुल सीधा आया, फिलहाल टोपी लगा ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली मैंने इस वजह से टोपी लगा रखी थी क्योंकि मेरे बाल बड़े अजीब लग रहे थे, पर उड़ गई यार, मैं उतनी देर से संभाल के रखा था, उड़े ना पर आखिरी में उड़ी गई। तो अभी ना तनिष्क भैया के साथ आपके ओपी सीन हुआ है, जब ये उड़ी ना, एक्चुअली मेरे को लगा ये ना सक्षम के पास चली गई होगी, पीछे नहीं गिरी होगी, लेकिन मस्त हवा का झोंका लगा और पूरी दूरी चली गई यार। फिलहाल ना हम हरदोई के आउटर एरिया से निकल रहे हैं, जिससे कि जो है हम ज्यादा जाम में ना फंसे, और आगे ना वही नया वाला पार्क है, एंड इस समय शाम भी हो रही, तो हमें लग रहा है इस समय ना उसके फाउंटेन भी चल रहे होंगे। तो चलो एक बार पहले उस पार्क को देख लेते हैं कि उसके फाउंटेन भैया
जलते कैसे हैं, हमने अभी तक देखे ही नहीं। मतलब एक बार देखे थे जब हम बाइक पे बैठे थे, बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे थे। मोड़ते हैं, ये जो मोड़ है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरे को मोड़ लगती है। एक बार ना समझ लो मैं यहाँ पे ठुकते ठुकते बचा। मैं ना पैदल चल रहा था, अचानक से एक बस वाला आ गया सामने, और मतलब सच बता रहा हूँ उस दिन तुम्हारे तनिष भैया जो थे उड़ ही जाते, पर तब भी बच गए। एंड फाइनली गाइस, आज ना यहाँ पे फव्वारे भी सारे चल रहे हैं, बस लाइटिंग नहीं चल रही है, पर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं चल के सर कैसा लगता है पूरा पार्क। तो यार पार्क तो पहुंच गया, एंड पार्क में मस्त फव्वारे भी चल रहे हैं और लाइट भी चल रही है। अभी ना थोड़ी सी डिम लग रही है, बिकॉज अभी हल्की सी जो है सनलाइट है, तभी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा जब और अंधेरा होगा तब ये मस्त सा पानी चमकता है, और मेरे बाल देखो कितने अजीब लग रहे हैं, तभी मैं कैप लगाया हुआ था। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब आ रही है, बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और वो देखो वो लिखा अपना आइला भर दो, जिसका रा और दा पूरा गायब हो चुका है। तो मस्त यार फव्वारे चलते हुए भी हमने अपने स्नैक गार्डन में देख लिए, पर अभी ना लाइटें नहीं देख पाए इतने अच्छे से, बिकॉज अभी हल्की सी सनलाइट है। तो अगर कभी आएंगे रात साइड में तो अच्छे से दिखाएंगे। लाल चलो चलते हैं घर, और इधर ही से आउटर में निकल जाएंगे, बिकॉज मेन सिटी में भयंकर जाम हो रखा है। हम लोग ना समझ लो हरदोई के आउटर एरिया से आए, लेकिन वहां पर भी ना भयंकर वाली जाम लगी हुई थी, पर अब घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचे हैं, 7 बजने जा रहा है, उतनी देर से समझ लो दौड़ भाग ही रहे हैं, ये सामान लाना है वो सामान लाना है। हमारी मम्मी जी जो है अभी तक नहीं तैयार हुई है। मम्मी, ओ मम्मी कब तैयार होंगी आप? बस अरे जल्दी जाओ, टाइम देखो क्या हो रहा है, 7 बज चुका है। मम्मी जी जो है, अरे रुको यार लाइट कम है, बहुत लाइट ला के रखा हुआ है। फाइनली यार मम्मी जी जो है तैयार हो चुकी हैं, और हमने भी अपना बैग टांग लिया, इसमें मेरा चार्जर दूसरा फोन सब कुछ है। तो अब निकल रहे हैं, फिलहाल जो कल होली होगी ना, तो कल सुबह वहां पे मतलब की पूजा वूजा करके हम आ जाएंगे। अब दादाजी हमारे फुटेज खाने के लिए आ चुके हैं, फिलहाल हम चल रहे हैं आपको हैप्पी होली। यहाँ पे जो है क्या है, नंद है आपकी, कौन लगती है? हाँ नंद और भौजाई ने जो है होली अभी खेली है, बिकॉज कल तो मम्मी आ नहीं पाएंगे, तो मम्मी जो है सबके हल्का हल्का सा कलर लगाई दे रही है, कल मैं ही आऊंगा। तो चलो चलते हैं। प्रेम देखिएगा, स्पर्श हुए जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, बिकॉज कल मेरे को सुबह यहाँ घर भी आना है ना, कल ना ऑटो बहुत कम ही मिलेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और हमारी एनी दीदी सो रही है, एनी हम घर जा रहे हैं, एनी अब हम कल आएंगे, अब हम तुम्हें आज रात में प्यार नहीं कर पाएंगे। ठीक है हम जा रहे हैं, टाटा हैप्पी होली सक्षम, जा रहे हैं टाटा, अब मिलेंगे आपसे कल। गेट पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पर देखो होली की कितनी मस्त सी तैयारी हो रही है, सब लोग ना यहाँ पे पूरा सजा रहे हैं, रात में वही 2-3 बजे तरफ यहाँ पे अग्नि लगाई जाएगी। तो चलो भैया चलते हैं, मम्मी जी पीछे बैठी हैं, तो व्लॉगिंग तो दूर दूर तक नहीं होगी, सीधे घर ही जाके होगी। आप सभी को जय श्री राम, मिलेंगे आप सभी से कल, जय श्री राम, हैप्पी होली सभी को, पर सुबह आ ही जाएंगे, ठीक है? हाँ शांति से घर जा ही रहे थे कि रास्ते में हरदोई वाला नया पार्क पड़ता है जब आए थे, तो अभी ना यहाँ पे लाइटनिंग चल रही है फाउंटेन में, और मम्मी जी ने देखा नहीं था, तो सर चलो मम्मी जी को ये पार्क दिखा दे, वरना मम्मी जी कहाँ ही आ पाएंगी, मम्मी ज्यादा निकलती गलती नहीं है। तो यार रात में ना कुछ ऐसा यहाँ पे लगता है, फाउंटेन मस्त चलते हैं, पर मेरे को ना यहाँ पे एक चीज कमी लगती है, ये कमी लगती है कि यहाँ पे ना चारों तरफ मस्त सी लाइट लगा देनी थी ना, तो ये और भी मस्त लगता है, जैसे कि पूरे पार्क के चारों तरफ बढ़िया बढ़िया वाली लाइट, वैसे लगी तो हुई है पर बहुत छोटी छोटी लगी है, उसमें ज्यादा रोशनी नहीं होती है। बस इतना ही मम्मी जी को दिखाना था, दिखा दिया, अब चलते हैं घर। फाइनली यार 8:48 एंड रीच्ड होम, और अभी ना मैं 2 पैकेट कलर्स के लिए आया हूँ यहाँ के लिए, बिकॉज हल्का बहुत यहाँ पे कलर खेलेंगे, और गुनगुन और सागर दादा मस्त गए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, अभी वो लोग खूब सारे कलर लेके आएंगे जो कि हम कल वहीं जाके खेलेंगे, यहाँ के लिए ये 2 पैकेट बस ले आए हैं। यहाँ इस वाले घर में आके कुछ ज्यादा ही शांति नहीं मिलती है, मतलब शांति इन द सेंस बिल्कुल कुछ शोर शराबा है ही नहीं, ना बाहर ची पोंपो लगता है, पता नहीं कहाँ केव के अंदर गुफा के अंदर आ गए हैं। तो रात का ना ऑलमोस्टली वही 12 बजने जा रहा है, मेरे को लग रहा है 12 बज गया, हाँ 12 बज गया, तो हैप्पी होली स्टार्ट हो चुकी है। एंड यहाँ घर में ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ये एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ था जो कि फ्यूज़ हो चुका है, और रॉड यहाँ का सही है वो हिल गया है, उसे सही करना है, तो उसे सुबह करेंगे, इधर वाला भी रॉड थोड़ा सा हिला हुआ है उसे सही करना है, तो बेसिकली अभी यहाँ की थोड़ी सी लाइट एट खराब है, तो भी मैं फ्लैश ला के व्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ, और अपनी जो FZS बाइक है ना वो हमने वहाँ पे सामने खड़ी कर दी है, यहाँ पे ना अंदर आराम से खड़ी हो जाती है, धूल उल तो बिल्कुल दूर दूर तक आती नहीं, तो यहाँ पे मस्त खड़ी रहेगी। फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और ना मेरा एक प्लान था जहाँ पे होली वाली वो अग्नि लगाई जाती है ना, तो वहाँ जाने का मेरा प्लान था, यहाँ पे वो रात के 1-2 बजे तक लगाई जाती, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा सीन ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सब लोग ड्रिंकिंग करे होते, तो मतलब थोड़ा सही नहीं रहता यहाँ पे, तभी मैं नहीं जाऊँगा, वरना वहाँ नानी के यहाँ तो मस्त पूरा घर के बाहर ही अभी जल रही होगी, पूजा वूजा होने लगेगी, तो वो हमारा मिस हो गया। फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एंड अगला व्लॉग मस्त तबाही व्लॉग होने वाला है, मस्त सा कलर खेलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड फिर से हैप्पी होली।
के अंग गिरे थे, जब माता सती